एक बात हमेशा बापू को याद करते हुए होती है कि बापू ने बहुत सारे गिर के लिए अच्छे काम किए और आज गिर जिस मुकाम तक पहुंची उसमें एक बहुत बड़ा योगदान, पूर्ण योगदान बापू का रहा। लाल भाई, बापू का स्वभाव कैसा था, कैसे व्यक्तित्व थे और गिर गायब पे उनका जो कार्य है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश। बाबू जी का स्वभाव तो बहुत अच्छा था। सबसे पहले वो गिर गए किससे पहले तो वो मिलिट्री में थे, आर्मी में थे और आर्मी में थे और वो 1971 और शायद 77 के हमारे वॉर में भी वो शामिल थे। मतलब एक ऐसी शख्सियत तो देशभक्ति में भी पूरे, हाँ देशभक्ति में सबसे आगे डटे रहते थे। और गिर गायेगा बापू का कब से मतलब उन्होंने शुरू किया, कैसे उन्होंने ये विचार किया कि ब्रीडिंग होनी चाहिए, ब्राजील को भी उनके पास आना पड़ता था, ये सब कैसे हुआ, ब्लैंक चेक दिया था, ये पूरा घटनाक्रम एक बार बता पाए तो। जैसे अब उनको इंग्लिश में बातें करने का शौक था उनसे, अच्छा तो इंग्लिश में बातें करने के लिए ही जाते थे, कम्युनिकेशन के लिए ही जाते थे। शायद वो हो गए तब 16-17 साल के। पहली बार बाबूजी फ्रांस होके ब्राजील गए थे, ये लगभग होगी 65-70 के बीच। अच्छा, उस समय उन्होंने प्योरिटी पे काम करना शुरू किया। तब से उन्होंने बस पहले से गाय रखते थे पर मेंटेन उन्होंने प्योरिटी पे ज्यादा ध्यान दिया। तो जो ब्रीडिंग में बापू जी के हिसाब से नंदी ज्यादा महत्व रखता है कि गाय? ब्रीडिंग में दोनों ही महत्व रखता है। गाय के बिना नंदी काम का नहीं है, नंदी के बिना गाय काम की नहीं है। हमारे गुजराती में एक कहावत है, जेसल जखरा निपजे जेनी माँ होथल पदम नहीं हुए, यानी जेसल जखरा जैसे बच्चे तभी पैदा होते हो सकते जब उसकी माँ पद्मनी जैसी हो। जय गो माता, जय गोपाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिला हूँ और गिर गाय के संवर्धन पे बहुत सारी बातें हुई, पर एक ऐसे व्यक्तित्व जिनसे बहुत कुछ जानने की इच्छा हुई और जब मेरी जानने की इच्छा हुई तो मेरी इच्छा थी कि आप सब लोग भी उन चीजों के बारे में जान पाए। लाल भाई से काफी सारी बातें हुई पिछले दो दिनों में। एक बात हमेशा बापू को याद करते हुए होती है कि बापू ने बहुत सारे गिर के लिए अच्छे काम किए और आज गिर जिस मुकाम तक पहुंची उसमें एक बहुत बड़ा योगदान, पूर्ण योगदान बापू का रहा। बापू के व्यक्तित्व के बारे में, बापू के बारे में आज जानने की हमारी सबकी इच्छा रहती है क्योंकि बहुत कम लोग उनके बारे में जान पाए। लाल भाई, बापू का स्वभाव कैसा था, कैसे व्यक्तित्व थे और गिर गाय पे उनका जो कार्य है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाले। बापू जी का स्वभाव तो बहुत अच्छा था और सबसे पहले वो गिर गाय किससे पहले तो वो मिलिट्री में थे, आर्मी में थे और उनको मैं जानता हूँ तब तक 3 बार वो जो मेडल मिलता है, कौन सा मिला है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 3 बार उनको वो एक मेडल तो वो मुझे मालूम है, वो उठते हैं ना प्लेन में से तो उसमें बेस्ट पैराग्लाइडिंग का भी अवार्ड मिला है और बेस्ट सोल्जर का भी जो भी है वो अवार्ड भी उनको मिला हुआ है। और वो 1971 और शायद 77 के हमारे वॉर में भी वो शामिल थे। तो इतनी सब बातें उससे हुई है। जब वो पाकिस्तान में हमारे सैनिक घुस गए थे तो उनका जो पड़ाव था वो भी कराची में था, तो वहां तक की उनसे बहुत ऐसी बातें हुई है उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके पर्सनल डिटेल के बारे में, जो आप पूछे और जो मैं जानता हूँ वो आपको बता सकता हूँ। मतलब एक ऐसी शख्सियत देशभक्ति में भी पूरे, हाँ देशभक्ति में सबसे आगे थे, डटे रहते थे। और गिर गायेगा बापू का कब से मतलब उन्होंने शुरू किया, कैसे उन्होंने ये विचार किया कि ब्रीडिंग होनी चाहिए, ब्राजील को भी उनके पास आना पड़ता था, ये सब कैसे हुआ? ऐसे तो जैसे जब वो अपने कृष्णा बुलदेव सेल्सो ग्रासिया सीड, सेल्सो ग्रासिया सीड शीड को जो वो कृष्णा बुलदेव ब्लैंक चेक पे ब्लैंक चेक दिया था, ये पूरे घटनाक्रम एक बार बता पाए तो। जब सेल्सो ग्रासिया ब्राजील गए थे, ब्राजील गए थे, गिर गए तो उनसे पहले जाती थी, फिर सेल्सो ग्रासिया सीड को किसी ने बताया था, ये सब बाबूजी के शब्द है, मैं पूछ नहीं है अंदर, तो उसको किसी ने बताया कि भाई भावनगर के अंदर भीड़ अच्छा है तो आप जाओ। तब बाबूजी के फादर बहादुर सिंह जी वो कृष्ण कुमार सिंह जी के थोड़े निकट थे, बहुत निकट थे, तो कोई भी डिसीजन में उनका भी हाथ रहता था। तब वो लोग कृष्ण कुमार सिंह जी को मिलने आए और ऐसा बोला कि हमको अच्छा बुल चाहिए, ये चाहिए। तब फिर ऐसे वो कृष्णा उन्होंने पसंद किया, फिर कृष्णा की आगे वाली बात को सबको नॉर्मल है मालूम है। बाद में सेल्सो ग्रासिया सीड जहाँ बाबूजी रहते थे, जहाँ उनकी गाय चरा करती थी, अभी वहाँ जो मिलिट्री का बेस है वहाँ पे, तो वहाँ गेस्ट हाउस में सेल्सो ग्रासिया सीड रहते थे भावनगर। और बाबूजी को इंग्लिश में बातें करने का शौक था उनसे, अच्छा तो इंग्लिश में बातें करने के लिए ही जाते थे, कम्युनिकेशन के लिए ही जाते थे। कौन से साल की बात होगी, लगभग आजादी से पहले? बाबू जी जवान थे, जवान थे, अच्छा 80 साल पुराने, जवान भी नहीं किशोर बोल सकते हैं, शायद वो हो गए तब 16-17 साल। तब वो सेल्सो ग्रासिया सीड से बातें करते, ये थे वो थे, फिर तो क्या है कि 1960 में शायद गाय जानी बंद हो गई। फिर एक दिन सेल्सो ग्रासिया सीड आया
उन्होंने बाबूजी को पूछा कि भाई तू वैसी लाएगा, तो उन्होंने हाँ बोला। उनको तो सब मजाक ही लगता था, ये थोड़ी मेरे को ले जाएगा। फिर उनके फादर से बात की कि हमको प्रदीप को ले जाना है, और एक दिन बैठे बैठे उनके वहाँ वीजा और सब उसने प्रोसेस करके भेज दी सारी चीज आ गई। तब पहली बार बाबूजी फ्रांस होके ब्राजील गए थे, तब से उनका होम रिलेशन सेल्सो ग्रासिया सिड के साथ बहुत था। और फिर बाबूजी का एजुकेशन इसमें बहुत महत्व रखता है कि बाबूजी ने जूलॉजी किया था, तो ब्रीडिंग के बारे में बेसिक नॉलेज उनको थी, गाय की ब्रीडिंग, एनी ब्रीडिंग। मैंने बाबूजी से ऐसा नहीं है कि गाय के बारे में बात की है, आप उनको कबूतर के बारे में भी पूछ लो तो भी वो आपको बताएंगे कि कबूतर की भी इतनी स्पीसीज होती है। एक बार हमको बात हो रही थी ईगल की, कबूतर चील की, चील की, तो चील में भी तीन तरीके के ही चीले आती है ऐसा उन्होंने बताया था। डिटेल में बात की थी लेकिन अभी वो मेरा तो सब्जेक्ट गाय का रहा है तो वो मैं थोड़ा भूल गया। तो उनको जनरली ऑल ब्रीड के बारे में नॉलेज था, आप कॉक ले लो, डॉग ले लो, कुछ भी, वो कभी भी कोई भी ब्रीड पे बात कर सकते, उनका नॉलेज इतना हाई था। बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व था, अद्भुत व्यक्तित्व। गिर गाय में उनके योगदान के बारे में बात करूं तो उसके बारे में हालांकि कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकते, फिर भी आप बताना मतलब क्या कैसा उन्होंने काम किया जो आज एक माइलस्टोन बना हुआ है हम सबके लिए। उनके पास पुरानी गाय तो थे, प्लस वो भावनगर भी कुछ गाय थी, फिर वो आर्मी में से रिटायर हुए, वो कुछ 35 साल का होता है तो तब वो जवान ही थे, फिर ब्राजील वाले गाय ले जाने लगे। तब उनको एक विचार है कि ब्राजील वाले प्योर रखते हैं, मैं क्यों ना प्योर रखूं। तो बस उनका एक ये कुदरत ने उनको कुछ दिया संकेत कि भाई तू प्योर रख, उन्होंने वहीं से प्योरिटी पे ही काम किया। प्योरिटी कौन से साल की बात होगी, ये लगभग, ये लगभग होगी 65-70 के बीच। अच्छा, उस समय उन्होंने प्योरिटी पे काम करना शुरू किया। तब से उन्होंने बस पहले से गाय रखते थे पर मेंटेन उन्होंने प्योरिटी पे ज्यादा ध्यान दिया। तो जो ब्रीडिंग में बापू जी के हिसाब से नंद ज्यादा महत्व रखता है गाय, ब्रीडिंग में दोनों ही महत्व रखता है, गाय के बिना नंदी काम का नहीं है, नंदी के बिना गाय काम की नहीं। हमारे गुजराती में कहावत है जेसल जखरा निपजे जैनी माँ होथल पदम नहीं हो, यानी जेसल जखरा जैसे बच्चे तभी पैदा होते होते माँ पदमनी जैसी हो, पदमनी जैसी होगी। माँ और बाप दोनों का मायने रखता है, माँ और बाप दोनों का मायने रखता है। आप 100% बूल ले लो, 50% गाय ले लो तो बच्चा नहीं अच्छा आएगा, 100% गाय ले लो, 50% बूल लो तो भी बच्चा अच्छा नहीं आएगा। तो अपने हिसाब से दोनों साइड प्योरिटी और जीनेटिक मायने रखता है। तो बापू कितनी बार ब्राजील गए होंगे? बहुत बार, वो तो बुलाते थे ना, वहां से उनकी टिकट आती थी, वो नहीं जाते थे, उनको बुलाते थे, तो रिक्वेस्ट करके आपको आपको आना है। बापू के नंदियों की बात करें तो आज तक के अच्छे नंदियों में किनको मानेंगे अपन? बापू जी के तो सभी नंदी अच्छे, वो तो 80 साल की मेहनत थी, हमने जब तक से देखा है तो उनका वो कोई भी नंदी आप देख लो, सभी नंदी है, शासक की नानो देख लो, पुराना जब हम पैदा नहीं होते तब का फोटो देख लो, नानो सुधान तोखारी हो, तो बाबू जी के पूरे नंदी अच्छे है, क्योंकि अच्छे होने का कारण क्या, माँ भी अच्छी है, बच्चे भी अच्छे, पिता भी अच्छा है, तो जेनेटिकली तो प्योर आने वाला है, और शायद बच्चे में ब्रीडिंग की वजह से कुछ कमी रह गई तो हम लाके वो यूज करते हैं, तो वो प्योर ब्रीड तो रहेगा ही रहेगा, तो वो तो अपना जो ब्लड कैरेक्टरिस्टिक है वो तो देने ही वाला है। तो बाबूजी अपने शिष्य कहो या अपने से किसी को जोड़ते थे तो कैसे, मतलब परीक्षा विक्षा लेते थे कि कैसे वो? नहीं, नहीं, वो तो उनको मजा है, आप क्वेश्चन करो उनको फिर जवाब देने में मजा आना चाहिए, हमको पूछने में मजा आना चाहिए, तो ऐसे फिर आप जैसे आप क्वेश्चन करो जैसा वो सामने बंदा हो वैसा जवाब वो देते। तो उनकी दिनचर्या मतलब जब फार्म पे रहते तो कैसी दिनचर्या या क्या होगा? उनकी दिनचर्या में सुबह 2:45 को उठते थे, फिर ब्रश करते, फिर नाश्ता करके आधा घंटा बैठते, फिर योगा करते थे, 20-25 मिनट योगा करते थे, फिर 3-3:30 बजे के बीच वो फार्म पे आ जाते थे, और उनकी जो 14 गाय पर डे की 13-14 गाय का वो दूध निकालते निकालते, फिर वो घर पे जाते, फिर 9 बजे के आसपास दूध निकाल के, 7 बजे के आसपास, फिर आधा घंटा रेस्ट करके
नहा धो के 9 बजे वापस आते, 9 से 12 तक फार्म पे, फिर घर पे जाके 2 घंटा सोते थे, फिर दोपहर को उठ के वो गाय धोने वापस दोपहर को 3 बजे आ जाते थे, तो 3 से 5 5:30 तक मिल्किंग के टाइम लगभग मिल्किंग टाइम पे वही रहते थे और वही गायों का दूध निकाल। पर उनकी बड़ी बात वो थी कि उनके कस्टमर को वो दूध खुद ही देते थे। अच्छा, कस्टमर को दूध वही देते थे? क्या बात कर रहे हैं। हाँ, बड़ा व्यक्ति तो कस्टमर को दूध भी देना देता था वो निकाल के, और सबको वो नाम से जानते थे और सबको पता था कि इसको आधा लीटर है, इसका 3 लीटर है, इसका 1 लीटर है। क्योंकि मैं तो को बहुत साल से जा रहा हूँ, तो मैं तो कई बार वहाँ खड़ा रहता था, तो हर एक कस्टमर को वो नाम से और रिस्पेक्ट से बुलाते थे। और कोई नहीं आता था तो पूछते आज वो क्यों नहीं आए, क्या वो बीमार रह गए, क्या हुआ है, तो एक राजा की तरह वो पूछते थे। तो वो दूध देने का तरीका मुझे ऐसा लगता था कि वो लोगों से जो पर्सनल लोग कम्युनिकेशन, जो छोटे लोग हो उनसे वो कम्युनिकेशन बनाए रखते थे। और वो जब तक जिए तब तक 60 लीटर रुपए उन्होंने दूध बेचा है। अच्छा, 60 रुपए? 60 रुपए। मैंने बोला बाबूजी आप उसका 100 रुपया कर सकते हो? बोले लाल भाई 100 रुपया तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये लोग कहाँ जाएंगे। सही बात है जिनका। ये ऐसी बातें आपने कम कहीं सुनने को मौका मिला होगा, तो आप इतना जुड़े हुए रहे, तो मेरी इच्छा थी कि ऐसी बातें आपसे निकल के बाहर आ पाऊँ और आप तक पहुंचा पाऊँ, इसलिए इच्छा थी। तो ये सारी चीजें आज सवालों के रूप में हो रही है ताकि बापू जी के बारे में, इन्होंने गिर के लिए इतना बड़ा काम किया, उनके बारे में कुछ ऐसी बातें भी जान पाए। उतने बड़े व्यक्तित्व की बहुत छोटी बातें होगी पर उनका व्यक्तित्व दिखता है। आप सोचिए कि खुद दूध देना अपने कस्टमर को, मतलब हर छोटी छोटी अपने जुड़े हुए आदमी की बात को ध्यान रखना। पहला एक्सपीरियंस कैसा था जब पहली बार आप मिले? पहली बार तो मिला ही नहीं था। अच्छा, सामने देखे और चले गए। क्या बात कर रहा है। ऐसा तो 2 साल तक चला, मैंने बोला 1.5-2 साल तक तो सामने देख के चले जाता। फिर धीरे धीरे से फ्रेंडशिप हुई और उनसे मैंने सीखा। पर हमारा, मेरी उम्र का, हमारा उनका एक दादा और एक नातिन, इतना गैप था, मगर वो मेरे बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं। उनके घर पे भी जाता था, उनका, उनके पूरे फैमिली को पहचानता, पूरा फैमिली मुझे पहचानता। मेरे बहुत अच्छे रिलेशन रहे बाबूजी के साथ। आपके यहाँ पे कितनी बार आता वो? बहुत बार, कुछ नहीं कह सकते। खूब आए, अहमदाबाद आए तो उनका फ्लैट है इधर, वहाँ वो रुकते, फिर मुझे फोन करते कि भाई आके ले जा, फिर शाम को आके बैठते शांति से, बस इधर ही बैठते थे, फिर बस बातें करते थे, कुछ सिखाना वो सिखाते थे, फिर उनकी जो प्राइवेट लाइफ की भी बातें करते। इतना जुड़ा हो गया, अपनत्व हो गया। तो जो ऐसे व्यक्तित्व होते हैं ना जिन्होंने जीवन में, आप जीते हैं मरते हैं पर जिंदगी में कुछ किया ही नहीं होता, आज उन्होंने इतना सब कुछ गिर गाय के लिए किया है, आज हम सभी उनको याद भी करते हैं। हर आदमी उनको याद करता है। कई ब्रीडर होंगे जिनके बारे में नेगेटिव पॉजिटिव सारी बातें होगी, तो उनके बारे में नेगेटिव कहते हुए आदमी को देखा नहीं पड़ता। जनरली आदमी मरने के बाद महान होता है, अब वो जीते जी महान हो और वो लिविंग लेजेंड हुए। मैं उनको सबके साथ सामने उनको बोला कि आप लिविंग लेजेंड हो, ये जीते हुए एक महान पुरुष हो। बड़े सरल व्यक्तित्व था एकदम। ऐसे तो सरल भी नहीं थे, लेकिन जिनसे साथ बनता था उसके लिए बहुत सरल थे, और जिसके पास नहीं जत्ता था तो वो कहते भाई तू तेरे घर में मेरे, तुम तुम्हारे राजी में मेरे राजी। हाँ, तुम तुम्हारे कुछ हमारे, एक अद्भुत व्यक्तित्व थे। इसके अलावा एक बात और जाननी थी मुझे, गिर गाय के आज के रूप के लिए जो राजा महाराजा या नवाबों का क्या योगदान था? हर एक आदमी, अभी आप, मैं तो बहुत ज्यादा नहीं, मैं तो 2008 के शुरुआत ही अपने, पर पहले जामनगर आईनेस भी गाय रखते थे, मंडल आईनेस रखते थे, मुर्मी आईनेस रखते थे, जूनागढ़ नवाब रखते थे, भावनगर आईनेस रखते थे, तो सभी का योगदान है। अभी अभी का नाम ले ले तो ये अपने जसदन के स्टेट है वो भी रखते हैं, ये बाड़वा स्टेट भी रखते हैं, फिर ये भुवनेश्वरी पीठ वाले अपने अपने तनश्याम जी महाराज है वो भी रखते हैं, और उन्होंने अपने लिए कुछ ना कुछ तो योगदान गाय के लिए दिया ही है। सभी लोगों ने, प्रदीप सिंह बापू हो, चाहे गोडल जी हो, भुवनेश्वरी पीठ के अपने धनश्याम बापू हो, या ये अपने सत्यजीत खाचर हो, सभी ने कुछ ना कुछ तो योगदान दिया है, इसीलिए तो दुनिया आज उनके उनका नाम ले रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मतलब मेरा जानने का ये था कि जैसे कोई कॉम्पिटिशन रखते थे या उस समय कैसे आपस में राजा महाराजाओं में कोई इस तरह का कुछ प्रोग्राम होता था? नहीं नहीं। या नस्ल को कैसे प्रदर्शित करना है ऐसा कुछ होता था? नहीं नहीं। या शौक था? शौक ही था, सबका शौक था। शौक का शौक था। मामूजी के पास मैंने सुना था कि जूनागढ़ नवाब थे, उनके पास 1200 गिर गाय थे। 1200 गिर गाय थे। हाँ, और उन्होंने काबरी गाय का वाडा अलग था, उसके अंदर काबरा बुल, रेड तो रेड के अंदर रेड बुल, तो वो बोलते थे मेरे से भी ज्यादा अच्छा ब्रीडिंग जूनागढ़ नवाब लाल भाई करते थे। अच्छा, उस समय
इतना शौकीन थे वो, उतना शौकीन थे उनके पास बाबू जी के लफ्ज है वो तो शेरों में भी ब्रीडिंग करना हर जीव। उनका शायद मेरे पास ये रिकॉर्डिंग भी कहीं शायद पड़ा होगा, ये पूरा मैंने उस दिन पूरा रिकॉर्ड किया था उनका, ये तो से हो जाए ऐसे बातें बापू जी के मुंह की बातें, क्योंकि आप सोचा था इंटरव्यू लेंगे पर वो मौका नहीं हो पाया, भाग्य है। पर जूनागढ़ नवाब का जो ब्रीडिंग स्टाइल था वो 100% था, ऐसा वो बोल रहे थे कि उनके पास जो लिलीड गाय थी अभी उस उनमें से 1% भी आपको नहीं मिलेगी पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो उन जो राजा महाराजा और उनका भी अहम योगदान तक, ब्राजील वाले तो भावनगर राजा के पास में भी आए देखने के लिए, गया गाय यहाँ से नंदी उस समय लेके गए, वो घटनाक्रम क्या था, ब्राजील को कैसे शौक लग गया यहाँ आने का? ब्राजील को, ब्राजील के पास तो अब गिर गए नहीं, ब्राजील के पास तो दुनिया के सभी जानवर है। ब्राजील के पास ऐसा एक देश है जिसके खुद का कोई एनिमल ही नहीं है। अच्छा, खुद का एनिमल ही नहीं है, उन्होंने पूरा इम्पोर्ट किया है, पूरी इकोनॉमी एनिमल पे होगी। हाँ, पूरी इकोनॉमी एनिमल पे, उसमें गिर सबसे ज्यादा और फिर गाय में कुछ डिफेक्ट आया तो वो एज अ बीफ यूज करते हैं, वो उनका एक अपना, वो तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू। फिर भी ब्राजील से सीमन भारत में ला रहे हैं 10,000-12,000 लीटर का, तो क्या वो उस बराबर दूध या इंडिया में दे देंगे गाय? पहले तो आप ब्राजील का स्टाइल देखो, ब्राजील के अंदर सब बोल देता हूँ, वहाँ आप दूध दूध निकालना तो हार्मोन था, इधर वो हम ऑक्सीटोसिन देते हैं दूध निकालने के, तो वहाँ हार्मोन हार्मोन और ग्लूकोज दोनों वैलिड है, ये आप दोनों देके दूध निकाल सकते। तो आप ग्लूकोज का बाटला अपने गाय को ग्लूकोज का चराओ कान से और दूध निकालो, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो वहाँ वो सब वैलिड है, तो हम कैसे ऑथेंटिक जाने? सही बात है, मतलब एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन या एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दे दे के, मतलब वो जैसे बॉडी बिल्डर बॉडी बनाने के लिए कुछ लेता है, वो वाली बात हो गई वहाँ पे, वही बात हो गई। तो ये बाबू जी के अल्फाज है, मेरे नहीं। तो जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की सवालों की लिस्ट में तो पहली बार लाइफ में बनाई है, और आपने कहा भी कि मेरे लिए ऐसे सवाल लेके आओ। एक सवाल है कि ईटीटी के हिसाब से जो गाय का सिलेक्शन और जो फादर का सिलेक्शन वो कैसे हो सकता है, मतलब एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट के लिए कैसे गाय होनी चाहिए, कैसे वो? बाबू जी जब ब्राजील वालों के लिए एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट का सोचते थे तो उनके एक 4 क्वेश्चन थे और 16 मार्क उस एक गाय का होते थे, उसमें वो गाय खुद कैसी दिखती है, वो गाय के कैरेक्टर कैसी दिखती है, ब्यूटी ब्यूटी उसके कैरेक्टर, उसका मिल्किंग कैरेक्टर, मिल्किंग कैरेक्टर, वो बच्चे कैसे देती है, बच्चे कैसे देती है, पहले का स्वभाव कैसा है, उसके 4-4 मार्क का सवाल था, उसमें कम से कम 12-13 मार्क आने चाहिए, तो वो गाय एम्ब्रियो एम्ब्रियो के लिए पास, 16 में से 12 आने चाहिए। हाँ जी, कम से कम 12। वो सवालों की लिस्ट कभी मिल जाएगी? मैंने कहीं लिखा पढ़ा है कहीं, वो तो आप ना तो सबको शेयर करेंगे। हाँ, क्योंकि जो ब्राजील के जो नियम थे और ब्राजील का जो ABCZ कॉर्पोरेशन, क्या कॉर्पोरेशन ABCZ? ABCZ जैसे आप ब्राजील रहते हो, आपको इंडिया से एम्ब्रियो लाना है तो आप डायरेक्ट नहीं ला सकते, आप भले मेरे फ्रेंड हो पर आपको ABCZ को बोलना पड़ेगा, और ABCZ बोलेगा प्रदीप जी बापू को, और वो आपके लिए गाय सिलेक्ट करेगा और वही गाय के एम्ब्रियो जा सकता है। ब्राजील के लिए जो कैटल पास करना था वो टोटल ऑथेंटिकेशन प्रदीप सिंह बापू के पास था। अच्छा, यहाँ जो वो LEI मार्क लगा रहे थे, ये क्या है PO, POIN, LEIN, ये क्या थी? PO यानी प्योर ओरिजिन, LEI मींस प्योर ओरिजिन ऑफ इंडिया, LEI लीवर ऑफ बर्थ ऑफ इंडिया। उन्होंने वो इधर से जैसे कैटल लेके गए, जैसे एक सीरीज बनाई है, जैसे पिक्चर की सीरीज होती है ऐसे, कि PO में प्योर ओरिजिन, जो हमारे इंडिया का प्योर ओरिजिन है, फिर PUI मींस इधर से जो ले जाके वहाँ जाके पैदा किया, और वो POI है जो बाबूजी बताते हैं, और LEI तो अभी लेटेस्ट में जो गए वो सब। तो एक सवाल, ये एनिमल की आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि भाई ये PO लाइन का है, POI का है, LEI का, उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी सभी की। तो ब्राजील वालों ने जो किया है वो एक टेक्नोलॉजी आपके जैसे कि सीमन के अंदर या उसके अंदर कैरेक्टर के अंदर बदलाव की है, जैसे बात करें तो शरीर तो गिर गाय का हो गया, अडल स्ट्रक्चर बिल्कुल इतना बड़ा हो जाता है, सहचब दर्शी का स्ट्रक्चर हो वैसा हो जाता है, ये कैसे करते हैं वो लोग? वो साइंस में बहुत आगे बढ़े ना, वेटरनरी साइंस में वो बहुत आगे बढ़े, उनके पास वो उनको जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी है, वो जेनेटिक कोई भी बदलाव कर सकते हैं, उनका साइंस इतना एडवांस है, टेक्निक इसके बारे में आप और मैं यहाँ बैठ के बात नहीं कर सकते, उनका वहाँ जाके देखना पड़ेगा, जाएंगे, जाने की इच्छा है। कभी जो बाबूजी का जो ब्रीडिंग सिस्टम था, हालांकि बहुत
लीजेंड है, फिर भी आपके हिसाब से वो कैसे ब्रीडिंग का और वो सब ध्यान रखते थे, या जो लाइन ब्रीडिंग या जो ब्रीडिंग है मतलब कैसे सिस्टम वो फॉलो करते थे? ज्यादा वामदी का ब्रीडिंग सिस्टम पता नहीं, पर सबसे अलग था वो बाहर के बुल को लाते, उसको मैंने जो देखा है वो पहले लाखन का उनका गाँव था वहाँ रख के यूज करते, उसकी बेटियां देखते, उसका क्या बोलते रिजल्ट देखते, बाद में वो यूज करते, बाद में यूज करते उसके मतलब प्रूवन जो सब जैसे जो अभी वो नया शब्द चलता है प्रूवन है क्या शब्द प्रूवन मतलब क्या होता है? वो बुल खुद को प्रूव करता है कि भाई मैं बुल हूँ, मेरे बच्चे इतने अच्छे, मैं अच्छा हूँ, वो प्रूवन हो गया, वो प्रूवन हो गया। नहीं बहुत एक लीजेंड व्यक्तित्व से आज हमारे बीच नहीं है, तो आप आज भी कभी याद आती है उनकी तो रोज कैसे क्या क्या बातें याद आती है, कोई ऐसी बात हो जो कभी उनका गुस्सा भी याद आता है? अच्छा, गुस्सा भी करते थे? मैं उनको क्योंकि कोई दिन सिखाते नहीं थे तो फिर अपना गुरु है तो चिमटी तो काटनी पड़ेगी, तो कोई कोई बार गुस्सा भी होते थे, कोई कोई बार मजा, उनके उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की बात ही नहीं करते। अच्छा, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा होता है, बहुत गजब का। कभी सरप्राइज दिया आपको यार मैं आ गया कहाँ पे, तू भी मैं फार्म पे आ गया? हर बात अच्छा, बड़ा जॉली नेचर था, बहुत जॉली। कोई बार बोलते थे कि मैं निकल रहा हूँ, कोई बार बोलते थे कि आपके गौशाला के बाहर खड़ा हूँ। जिंदगी जियो तो ऐसी जियो कि दुनिया याद रखे, दुनिया याद रखे, बिल्कुल ऐसे व्यक्तित्व थे। आज एक इच्छा थी कि एक लेजेंड जिन्होंने संवर्धन के मामले में, ब्रीडिंग के मामले में एक बहुत बड़ा काम किया, उनके बारे में हम जान सके, आप सब जान सके, तो बहुत मतलब एक समुद्र था, समुद्र में से लोटा भरने की कोशिश की हमने, तो एक कोशिश थी। आगे भी कभी मौका मिलेगा तो फिर बापू जी के बात करेंगे। बापू जी की तो कितनी बातें करें वो कम है, क्योंकि मैं तो दिन रात बैठा हूँ और शायद मैं अकेला ऐसा बंदा था कि वो मेरे लिए 12 बजे के बाद भी गौशाला पे बैठते थे, मेरे शाम को मैं जाता था तो खाना भी उनके साथ खाता था, कोई दिन उनके घर पे भी खाना खाने ले जाते थे, कोई दिन हम गौशाला पे भी बना देते थे, वो 9 बजे तक उनका शेड्यूल तोड़ के भी कोई कोई दिन मेरे साथ बैठे, फिर बोले लाल भाई अब आप निकलो या सो जाओ, तो हमारी कई बार तो उन्होंने रहने की भी व्यवस्था करके दी है कि भाई आप इधर सो जाओ, घर नहीं जाना है, सुबह जाना। तो ऐसा हमारा एक फैमिलियर रिलेशन भी उनके साथ था, और हमारा भी वो केयरिंग बहुत करते थे, अद्भुत व्यक्तित्व था। याद करते हैं, नमन करते हैं उनको, सत सत नमन है उनको, ऐसी आत्मा को, प्रभु भगवान उनको गोलोक में वास दे।